हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यार, 2024 में बहुत ज्यादा बड़ी फिल्में तो नहीं आ रही है, एक्सेप्ट फ्यू साउथ फिल्म्स बॉलीवुड में। लेकिन एक ऐसी फिल्म है जिसका मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, एंड दैट फिल्म इज चंदू चैंपियन, स्टारिंग कार्तिक आर्यन। यार, ये फिल्म सिर्फ कार्तिक आर्यन की वजह से नहीं, पर कबीर खान की वजह से भी एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए। बिकॉज जिस लेवल का उनका एक विजुअल एक्सपीरियंस होता है लोगों को दिखाने का, उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है। एंड ऑब्वियसली कार्तिक आर्यन, जिन्होंने इतना वजन कम किया है, अपने लुक को चेंज किया है, फ्रॉम दैट क्यूटी बॉय टू समवन हु इज एथलेटिक, हु इज फुल ऑफ यू नो एक्टिवनेस, तो वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब मैंने सोचा यार कि आप लोग के साथ में मैं इस फिल्म की कुछ झलकियां शेयर करूं, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन, बट इन टर्म्स ऑफ ये फिल्म किस पे आधारित है, कौन है वो एक इंसान जिसपे कार्तिक आर्यन 1.5 साल से लगे पड़े हैं उनकी तरह बनने के लिए, बायोपिक ये किसकी है, और क्या है ऐसी स्टोरी जिसकी वजह से ये फिल्म बनाने पे मजबूर हो गए हैं हमारे मेकर्स। तो चलिए शुरू करता हूं, और शुरू करने के पहले यही कहूंगा कि यार, रिसर्च बहुत किया है तो वो लाइक बटन जरूर दबा देना, एंड जितना हो सके सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, उतना ज्यादा मजा आएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, चंदू चैंपियन रिलीज होने वाली है जून 14 को, मतलब करीब 2 महीने है। एंड आप अगर क्लोजर टू द रिलीज भी देख रहे हो, फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा वो कहते हैं इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल होगी, पर एंटरटेनमेंट भी आपको साथ साथ में थोड़ा मिलेगा, बिकॉज जब आप फिल्म देखोगे आप ये सब चीज नोटिस जरूर करोगे। तो ये फिल्म जो है बेसिकली मुरलीकांत पेटकर, ये एक पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है जिसपे आधारित है। हमने कभी किसी का, मतलब हमने पैरालंपिक्स कभी इतना गौर नहीं दिया इस स्पोर्ट्स पे, पर अगर आप देखोगे आपको पता चलेगा किस लेवल का यहाँ पर जो हैंडीकैप लोग होते हैं, मतलब वैसे टाइप के लोग जो रियल लाइफ में एक्चुअली हीरोज हैं, जो जो ये नहीं सोचते कि यार हमारे में कुछ खामियां हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारे पास गॉड गिफ्ट है और उस गिफ्ट का सही इस्तेमाल करते हैं। यस, मुरलीकांत पेटकर भी ऐसे ही इंसान है। उनकी स्टोरी आपको मैं सुनाऊंगा तो आप चौंक जाओगे। ये इंडियन आर्मी में रह चुके हैं, 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर में इन्होंने 9 बुलेट्स खाई थी, 9 बुलेट्स, और फिर भी वो जिंदा रहे। एक बुलेट तो अभी भी उनके स्पाइन में है, आप सोच सकते हो। अब उस स्पाइन में वो बुलेट होने के बावजूद वो इंसान बाद में कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। 1972 में उन्होंने पैरालंपिक स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता, एंड शॉटपुट में, जैवलिन थ्रो और एक और स्पोर्ट्स है, मतलब उन्होंने उसी ओलंपिक्स में ये तीनों स्पोर्ट्स पे फाइनलिस्ट भी रहे। उन्होंने हॉकी खेली है, उन्होंने बॉक्सिंग खेला है, आर्चरी में उन्होंने बहुत सारी बोलते हैं लेवल्स पार किए हैं। मतलब ऐसे स्थिति में वो इतना कुछ कर गए हैं जो मेरे ख्याल से जब हम चंदू चैंपियन में देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगा हमें। एंड अनडाउटेडली कार्तिक आर्यन इस रोल में हमें दिखने वाले हैं, तो आप सोच सकते हो जिस लेवल की भाग मिल्खा भाग बनी थी, जिस लेवल का वो बायोपिक, मुझे आज भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट बायोपिक्स है, जब भी टीवी में आता है मैं जरूर देखता हूँ। ये फिल्म उस केडर की होने वाली है, मतलब उस लेवल की होने वाली है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। कबीर खान बना रहे हैं तो आप सोच सकते हो उसका स्केल कैसा होगा। और भी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है अबाउट मुरलीकांत पेटकर, वो है उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 50 मीटर स्विमिंग में, जब उनको गोल्ड मेडल मिला था। उसके साथ साथ उन्होंने अलग अलग स्पोर्ट्स खेले, वो तो मैंने आपको बताया ही, एंड जवान रह चुके हैं आर्मी में, 9 बुलेट्स खाई है, उनको 2018 में पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, एंड टोटल स्विमिंग में उन्होंने करीब 4 मेडल जीते थे। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब वो इस लेवल के स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, अभी भी जिंदा है वो, और उनकी जो लाइफ स्टोरी है हमें देखने में कितना मजा आएगा ये तो आप सोच ही सकते हो। फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ स्ट्रगल, एंड फुल ऑफ वो क्या कहते हैं, विक्ट्री। तो ये चीज जो है देखने लायक है। हमें ऐसा लगता है कि शायद जो भी हम चीजें देखेंगे वो हमें देखने में मजा आएगा, एंड देयर विल बी नो बार्स इन दिस फिल्म। मतलब मैं तो एक्साइटेड हूँ कार्तिक आर्यन और कबीर खान के मिलन में, मतलब वो किस तरीके से ये स्टोरी को बताएंगे वो सोचने में ही मुझे बहुत ज्यादा वो बोलते हैं ना, एक थ्रिल फील हो रहा है। तो यस, दिस इज द स्टोरी अबाउट मुरलीकांत पेटकर,
एंड हम जानते हैं कि ये फिल्म में भी उसी की बातें होंगी, उन्हीं के अचीवमेंट्स की बातें होंगी, उनके वॉर की बातें होंगी, उनकी वो गोलियों की बातें होंगी, किस तरीके से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, रिकॉर्ड ब्रेक किया, उसकी बातें होंगी, और बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होगी भाग मिल्खा भाग और इसमें। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। आप मुझे बताइए आप क्या एक्साइटेड हो या नहीं हो, बिकॉज बहुत लोगों को नहीं पता था कि चंदू चैंपियन किसके बारे में है, क्या है उनका, उनको बुलाते चंदू थे इसके लिए चंदू चैंपियन नाम रखा, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। अब हो सकता है वो गलत भी हो या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, पर दैट्स व्हाई द फिल्म इज कॉल्ड चंदू चैंपियन। एंड साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पैसा भी भरपूर लगा है। बस आई जस्ट होप बहुत जल्द हमें इसका कुछ फर्स्ट लुक पोस्टर या कुछ तो देखने मिले, जिससे यार मन को तसल्ली मिले कि यस दिस फिल्म इज गोइंग टू ब्रेक ऑल द बार्स। बाकी यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो हो सके कर दीजिए। टिल देन मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।